जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर, मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 2 में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में मैं डेफिनेशन लिख के रखा हूँ और इसके बारे में मैं आज जो है कि विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन हो सकता है या फिर कोई एक पॉलिनोमियल हो सकता है। बी दी गिवन फंक्शन विच टेक्स द वैल्यू, तो मान लीजिए ये जो वैल्यू टेक कर रहा है, मान लीजिए एक्स नॉट आर्गूमेंट पुट किया इसमें तो y नॉट एंट्री दिया, x1 आर्गुमेंट पुट किया तो y1 एंट्री दिया, x2 आर्गुमेंट पुट किया तो y2 एंट्री दिया, डॉट 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 xn आर्गुमेंट पुट किया तो yn एंट्री दिया। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ टेबुलर फॉर्म में, x और y, x के जगह पर x0 मैंने पुट किया आर्गुमेंट तो y0 एंट्री मिला, x1 आर्गुमेंट पुट किया y1 एंट्री मिला, x2 आर्गुमेंट पुट किया तो y2 एंट्री मिला, डॉट 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 xn आर्गुमेंट पुट किया तो yn एंट्री मिला। ठीक है, क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। और फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, आगे से पीछे की और डिफरेंसेस निकालना, एंट्रीज की डिफरेंसेस निकालना। तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, जैसे कि डेल्टा वाई, फिर डेल्टा टू वाई, है ना, डेल्टा थ्री वाई, ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, तो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, ये होता क्या है, वाई जो एंट्रीज आती है ना, तो जैसे वाई टू माइनस वाई वन होता है, y1 वन माइनस वाई नॉट होता है, ठीक है ना, फिर y2 टू माइनस वाई वन होता है, y3 थ्री माइनस वाई टू होता है। इस प्रकार से हम लोग जो है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालते हैं। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ईच वैल्यूज ऑफ y, y के प्रत्येक वैल्यू को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम प्रीसीडिंग, उसके आगे वाले से, ठीक है ना, ऑफ y, जैसे y0 हुआ, फिर y1 हुआ, फिर y3, y2 हुआ, फिर y3 हुआ, तो y1 माइनस y0 करेंगे, फिर y2 माइनस y1 करेंगे, फिर y3 माइनस y2 करेंगे, फिर y4 माइनस y3 करेंगे, मतलब उसके आगे वाले से उसको करना है। मतलब आप कह सकते हैं आगे वाले को बाद वाला भी कह सकते हो, बाद वाला, ठीक है, बाद वाले से पहले वाले को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग को क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस मिलेगी, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ y, देन वी गेट ऐसा कुछ मिलेगा y1 माइनस y0, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डेल वाई नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल वाई नॉट कहते हैं, इसको हम लोग डेल वाई वन कहते हैं, इसको हम लोग डेल वाई टू कहते हैं, समझ रहे, जो इधर है उसी के मदद से हम लोग चीज़ों को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाई वन माइनस वाई नॉट होगा, वाई टू माइनस वाई वन होगा, वाई थ्री माइनस वाई टू होगा, डॉट डॉट डॉट, देखिए एक यहाँ पर ज़्यादा है तो वाई एन, और एक यहाँ पर कम है, इधर वाले में कम है, तो वाई एन माइनस वन, मतलब यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन माइनस वन, एक कम होगा, ठीक है। दिस डिफरेंसेस इज कॉल्ड, इसी डिफरेंसेस को हम लोग फर्स्ट डिफरेंसेस कहते हैं ऑफ द फंक्शन y, y के फंक्शन के लिए, ये सबको हम लोग फर्स्ट डिफरेंसेस कहते हैं। वी शैल डिनोट दिस डिफरेंसेस by, इस डिफरेंसेस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए डेल y i, i का वैल्यू 0, 1, 2, 3, डॉट 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 n माइनस 1 तक ही जाता है, n नहीं होता है, इसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ, आइए देखिए। देखिए जैसे कि डेल वाई नॉट निकालते हैं तो क्या होता है, y1 माइनस वाई नॉट होगा, यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट है, देखिए डेल y1 निकालते हैं तो y2 माइनस वाई वन, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, डेल y2 निकालेंगे तो y3 माइनस वाई टू होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है। अब जैसे ही डेल, समझिएगा, डेल y n माइनस वन निकालेंगे तो यहाँ पर n माइनस वन है तो यहाँ पर n माइनस वन होगा, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है कि देखिए ये वाई एन यहाँ पर ही अटक के रह गया, फिर अगर आप कहिएगा कि सर डेल वाई एन निकालिए, डेल वाई एन निकालिए, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में ये जो वाई एन है तो यहाँ पर भी वाई एन ही होगा तब, समझ रहे ना। और देखिए जैसे कि जैसे एन माइनस वन हुआ तो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन होगा, और इससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे एक ज़्यादा होगा तो वाई एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वो नहीं निकालते, इसके बाद वाला नहीं निकालते, आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये इन जनरल मेरा फॉर्मूला यहाँ पर निकल करके आया, ठीक है ना, समझिए, समझ गए ना। तो कहने का मतलब हम लोग उस उधर नहीं जाएंगे, डेल वाई एन माइनस वन है तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर रहेगा और ये वाई एन, मतलब वाई एन तक ही जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझिए बात को, यहाँ पर वाई एन तक ही गया है, मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर डॉट 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 वाई एन तक निकालेंगे, वाई एन प्लस वन नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर वाई एन माइनस वन, मतलब कि अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ आयोटा कहाँ, आई कहाँ तक जाएगा, वो जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक जाएगा, इसी वजह से, तो जीरो वन टू डॉट 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 वाई एन माइनस वन होगा, तो वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, समझ गए ना। तो ये पूरा क्लियर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस।
तो इसी चीज़ को चलिए आइए एक और तरीके से भी समझ लेते हैं। जैसे मानिए बाबू कि एक्स नॉट आर्गूमेंट पुट किया तो वाई नॉट एंट्री मिला, एक्स वन आर्गूमेंट पुट किया तो वाई वन एंट्री मिला, ठीक है, फिर एक्स टू आर्गूमेंट पुट किया तो वाई टू आर्गूमेंट मिला, एक्स वन आर्गूमेंट पुट किया तो वाई वन एंट्री मिला, एक्स टू आर्गूमेंट पुट किया तो वाई टू एंट्री मिला, डॉट 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 एक्स एन आर्गूमेंट पुट किया तो वाई एन एंट्री मिला, ठीक है ना। अब बात को समझिए, एक्स नॉट के बदले कोई बोलेगा नहीं सर हम ए पुट करेंगे, तो भाई आपकी इच्छा, ए पुट कीजिएगा तो एफ ए मिलेगा, समझ रहे ना। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बात को समझिए, एफ एक्स है ना, तो अगर ए पुट कीजिएगा तो एफ ए मिलेगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए आर्गूमेंट ए प्लस एच पुट कीजिएगा तो एफ ए प्लस एच मिलेगा एंट्री, अगर ए प्लस टू एच आर्गूमेंट पुट कीजिएगा तो एफ ए प्लस टू एच एंट्री मिलेगा, एफ ए प्लस ये फिर ए प्लस एन एच पुट कीजिएगा एक्स की जगह पर आर्गूमेंट तो एफ ए प्लस एन एच एंट्री मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों को मैंने तुलना कर दिया। अब देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है डेल्टा, है ना, डेल्टा यानी कि ये जो है कि फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर है, ये डेल्टा को हम लोग कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करके इस f के लिए भी लिखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर y के लिए लिख दिए हैं वैसे ही f के लिए लिखेंगे। बात को समझिए, जैसे वाई एन माइनस वन है तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा f, वहाँ पर देखिए a प्लस एन एच लास्ट गया है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए बात को समझिए n माइनस वन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस एन एच, ए प्लस एन एच, ठीक है, देखिए बात को समझिए यहाँ पर n माइनस वन है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस वन, देखिए n h गया ना n h तो एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, कंपेयर कीजिए बातों चीज़ों को कंपेयर कीजिए। देखिए देखिए बाबू देखिए वाई एन है वाई एन तो वाई एन यहाँ पर क्या है जरा देखिए तो एफ ए प्लस एन एच है ना, एफ ए प्लस एन एच है और वाई एन, वाई एन माइनस वन क्या होगा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच होगा। अरे बाबा वाई एन क्या है आपका एफ ए प्लस एन एच है तो वाई एन माइनस वन क्या होगा, एन माइनस वन क्या होगा, वाई एन माइनस वन क्या होगा बताइए, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच होगा, यही ना होगा, यही ना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए वाई एन माइनस वन, जैसे वाई एन का वैल्यू तो हमको मालूम है कि क्या है कि एफ ए प्लस एन एच, कंपेयर कीजिए ठीक है ना दोनों को, तो एफ वाई एन माइनस वन का क्या होगा एफ के फॉर्म में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एन माइनस वन इंटू एच, यही हुआ। इसके बाद वाई एन, वाई एन का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए है ना, ए प्लस एन एच, और जो यहाँ पर है देखिए जो यहाँ पर है ना वो यहीं पर है, जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर है ना, तो जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर होगा, समझ रहे ना। तो देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग जो है कि ये चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हुआ, इसके बाद सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं, इसके बाद थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस और फिर एक एग्जांपल और आगे की और फिर प्रोसीड कर देंगे। अच्छा बच्चों एक और बात, इसको इरेज करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ चुका है, अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने के लिए हम इन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो आएगा वो आएगा डेल्टा टू वाई नॉट, क्या आएगा डेल्टा टू वाई नॉट आएगा, तो उस केस में डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा है ना, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट लिखेंगे, फिर डेल 2y1 लिखने के लिए फिर डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 लिखेंगे। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बता दिया पहले ही, अब आगे जब लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब आगे की ओर मूव करते हैं, हम लोग अभी तक जो है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस समझ चुके हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। तो आइए सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे वो भी देखिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो जो आए हैं उन सभी का इस्तेमाल करके सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस बनाएंगे। इफ़ वी नो डैट, इफ़ वी नाउ कंसीडर द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस वी विल ऑब्टेन द सेट ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड द सेकेंड डिफरेंसेस, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट डिफरेंसेस आया हुआ है उन सब का यहाँ पर यूज किया जाएगा और सेकेंड डिफरेंसेस निकाला जाएगा, विच मे बी डिनोटेड बाई, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे है ना, डिनोटेड बाई सुपर स्क्रिप्ट ऑन, डेल्टा में सुपर स्क्रिप्ट लगा करके इस्तेमाल करेंगे, डैट इज डेल्टा टू आयोट डेल्टा टू वाई आई, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले वाला में जो हम लोग आया था डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई नॉट इस प्रकार से आया था, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल रहे हैं
तो डेल्टा टू वाई वन आएगा, डेल्टा टू वाई नॉट आएगा, डेल्टा टू वाई टू आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो देखिए दस डेल्टा टू वाई नॉट निकालने के लिए, जैसे वहाँ पर निकाले थे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस में निकाले थे डेल्टा वाई नॉट, याद कीजिए क्या निकाले थे, डेल्टा वाई नॉट निकाले थे। सबसे पहले डेल्टा वाई नॉट निकाले थे और इसका वैल्यू था वाई वन माइनस वाई नॉट, ये था, ठीक है ना, याद आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डेल्टा टू वाई नॉट निकालेंगे इसके मदद से, तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट, है ना, मतलब बाद वाला माइनस उससे पहले वाला, तो डेल्टा वाई वन वहाँ पर आया था ना, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, इस टाइप से। तो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट, यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट है, एक यहाँ पर बढ़ गया। इसके बाद डेल्टा, ये रफ है। अब फिर डेल्टा वाई वन निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वाई वन है तो यहाँ पर भी वाई वन होगा, बस यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस आएगा, और यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस आएगा, लेकिन यहाँ से एक बड़ा हुआ है, है ना, दो है, समझ गया ना। अब इसी प्रकार से डॉट 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 डेल्टा टू वाई आई वन निकालेंगे, तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, वाई वन प्लस आई प्लस वन बढ़ जाएगा, और माइनस डेल्टा वाई वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो ये समझ गए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस समझ में आ गया, ये इधर से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस निकल रहा है। अब थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस निकालेंगे, तो डेल्टा थ्री वाई नॉट होगा, तो उसमें इसको पहले माइनस करेंगे और इसके बाद इसको माइनस करेंगे, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, द डिफरेंसेज ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज आर कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेज, मतलब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज जो आएंगी, है ना, जो देखिए ये तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज आ चुकी है, लेकिन सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज की डिफरेंसेज, मतलब ये जो आया हुआ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज, ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज आया हुआ है, ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज आया हुआ है, तो इनके डिफरेंसेज का डिफरेंसेज, है ना, डिफरेंसेज का डिफरेंसेज, मतलब वही है, एक चोर जो है कि दूसरे घर में चोरी किया और एक दूसरा चोर जो है कि आकर के उसके घर में भी चोरी कर लिया, मतलब चोर के घर में चोरी, वही बात होगी, डिफरेंसेस का डिफरेंसेस निकालिए, समझ गए ना, तो वही बात है। देखिए ये डिफरेंसेस निकला हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस, अब इस डिफरेंसेस का डिफरेंसेस निकालिएगा तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएगा। देखिए अब थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस बनाने के लिए सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा, उनका डिफरेंसेस करना पड़ेगा, आर कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस एंड आर डिनोटेड बाय डेल्टा थ्री वाई नॉट वाई वन, है ना, वाई वन, इस प्रकार से। देखिए तो हम लोग जैसे यहाँ पर निकाले थे डेल्टा टू वाई नॉट, तो यहाँ पर भी वही निकालेंगे, डेल्टा थ्री वाई नॉट निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस आया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए तो इसको सब्ट्रैक्ट बाय इसको, मतलब बाद माइनस पहले, इसको पहले करेंगे और उसके बाद डेल्टा टू वाई नॉट को करेंगे, मतलब जो यहाँ पर नॉट है यहाँ पर भी नॉट है, समझ गए। अब डेल्टा थ्री वाई वन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इस जगह पर थ्री है तो यहाँ पर टू हो जाएगा, डेल्टा टू वाई वन हो जाएगा और इससे एक बढ़ जाएगा वाई टू, समझे ना। अब देखिए डेल्टा थ्री वाई टू करेंगे तो यहाँ पर टू है तो यहाँ पर भी टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर टू हो जाएगा, समझ ना। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे डेल्टा थ्री वाई टू है तो डेल्टा टू वाई टू और यहाँ पर डेल्टा टू वाई थ्री हो जाएगा, एक इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे डेल्टा थ्री वाई आयोटा डॉट 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 चलते रहेंगे, फिर डेल्टा थ्री वाई आयोटा नहीं वाई आई मिलेगा, तो मालूम नहीं है कि वन होगा टू होगा थ्री होगा क्या होगा, हमको नहीं मालूम है, तो उस केस में आई का इस्तेमाल करेंगे, तो डेल्टा थ्री आई हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर डेल्टा टू आई हो जाएगा, यही चीज़ सेम, और इससे एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, डेल्टा टू आई डेल्टा टू वाई आई आई प्लस वन, तो इस प्रकार से और भी चलते रहेगा एन तक। अगर इसी चीज़ को अगर एनथ टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए दस इन जनरल एनथ फॉरवर्ड डिफरेंसेज, जैसे यहाँ पर तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेज हुआ है ना, क्या यहाँ पर थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस है, इसके बाद फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, फिर इसको इससे, इस प्रकार चलेगा। फिर फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने के लिए फिर वही फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, फिर सिक्स ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को निकालने के लिए फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये सिलसिला चलते रहेगा। तो अगर एनथ डिफरेंसेस निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, दस इन जनरल एनथ फॉरवर्ड डिफरेंसेज आर डिनोटेड बाई डेल्टा एन आयोटा आई आई, है ना, आई आयोटा नहीं, जैसे यहाँ पर डेल्टा थ्री आई है तो ये थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, फोर्थ ऑर्डर में फोर हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर में फाइव हो जाएगा और एनथ ऑर्डर में एन
आई हो जाएगा, आई के जगह पर कुछ भी हो सकता है, वाई नॉट, वाई थ्री, कुछ भी हो सकता है, वाई टू, है ना, इस प्रकार से एंड डिफाइंड बाय। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बात को समझिए। जैसे यहाँ पर तो हम लोग निकाल लिए थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, तो जैसे यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन है, तो तीन माइनस एक दो है, समझे ना, तो यहाँ पर n है तो n माइनस वन, यहाँ पर i है तो यहाँ पर भी i है, देखिए समझिए, यहाँ पर दो है तो वहाँ पर भी दो है, तो यहाँ पर i है तो यहाँ पर भी i है, यहाँ पर देखिए दो है तो यहाँ पर दो प्लस एक है, मतलब यहाँ पर i है तो यहाँ पर i प्लस एक है, समझ गए। तो ये nth फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और ये फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस का ये पूरा टॉपिक रहा, ठीक है। और ये पूरा nth ऑर्डर तक मैंने बता दिया, nth फॉरवर्ड डिफरेंसेस, है ना, nth फॉरवर्ड डिफरेंसेस फॉर फर्स्ट ऑर्डर, है ना, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, nth फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ये मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए मैंने बता दिया, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं तो फिर आगे चीज़ों को और समझ में आएगा। और एक बात है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस रहे चाहे बैकवर्ड डिफरेंसेस रहे, इसको डायगोनल डिफरेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल डिफरेंसेस भी कहते हैं। आइए समझेंगे, कारण भी समझेंगे जब इसका टेबल बनाएंगे तब, है ना। तो पहले इतना उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल, डायगोनल डिफरेंसेस टेबल, इसी का दूसरा नाम है ना, फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, पांच आर्गुमेंट दिया हुआ है और पांच एंट्रीज दिया हुआ है। देखिए इन पांचों आर्गुमेंट्स को लिख दिया एक्स नॉट से एक्स फोर तक, और पांचों एंट्रीज को मैंने लिख दिया वाई नॉट से वाई फोर तक। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस है, ये हमारा थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस है, और आगे देखते कहाँ तक आती है। देखिए इन दोनों के बीच में, दो एंट्रीज के बीच में हम लोग पहला डेल्टा वाई नॉट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाई वन माइनस का वाई नॉट करना पड़ेगा, बाद माइनस पहले, फिर इसमें इन दोनों के बीच में निकालेंगे डेल्टा, आपका वाई वन होगा तो फिर क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा, फिर आपका इन दोनों के बीच में होगा डेल्टा वाई टू हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस का वाई टू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में भी होगा तो डेल्टा वाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, वाई फोर माइनस का वाई थ्री हो जाएगा, समझ रहे ना। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना, ये तो फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टू वाई नॉट, ठीक है ना, इसका क्या होगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब डेल्टा वाई वन माइनस का डेल्टा वाई नॉट, ठीक। तो अब फिर इनमें क्या होगा, डेल्टा टू वाई वन होगा, तो इसमें क्या होगा, दूसरा माइनस पहला, मतलब बाद माइनस पहला, तो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई टू होगा ना, डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद फिर इन दोनों के डिफरेंस में डेल्टा टू वाई टू हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, डेल्टा वाई, है ना, थ्री, है ना, क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस का डेल्टा वाई टू, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस ये, बाद माइनस पहले, इसके बाद इन दोनों के डिफरेंस में ये होगा, फिर इन दोनों के डिफरेंस में ये होगा, तो देखिए क्या होगा, डेल्टा थ्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा, इस जगह पर वाई नॉट, है ना, समझ गए ना, वाई नॉट। और इसके बाद फिर क्या होगा बताइए, तो डेल्टा टू वाई, बाद माइनस पहले वाई वन, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, डेल्टा टू वाई वन माइनस डेल्टा टू वाई नॉट, समझे, बाद माइनस पहले, फिर क्या होगा, डेल्टा थ्री वाई वन, तो क्या होगा बताइए, तो डेल्टा टू, बाद माइनस पहले, टू माइनस डेल्टा टू वाई वन, है ना, डेल्टा टू वाई वन। अब इन दोनों के डिफरेंस के बाद फिर हमको क्या मिलेगा, डेल्टा फोर वाई, डेल्टा फोर वाई, सॉरी, मतलब सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, डेल्टा फोर वाई, डेल्टा फोर वाई, बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या होगा, डेल्टा फोर वाई नॉट होगा, ठीक है, डेल्टा फोर वाई नॉट होगा, तो बाद माइनस पहले, तो डेल्टा थ्री वाई वन और माइनस डेल्टा थ्री वाई नॉट, डेल्टा थ्री वाई वन और डेल्टा थ्री वाई नॉट। तो आशा ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस कीजिए बढ़िया से, तो आपको कुछ और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए बात को समझिएगा, क्या नोटिस करना है, यहाँ पर पाँच आर्गूमेंट्स है तो फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुँचे। सुनिए बढ़िया से, पांच आर्गुमेंट्स है तो दिस इंप्लाइज डेट, पांच आर्गुमेंट्स है तो दिस इंप्लाइज डेट फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुंचे, फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुंचे, मतलब एक कम,
अगर सिक्स्थ आर्गुमेंट्स रहता तो फिफ्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुंचते, अगर सेवेंथ आर्गुमेंट्स रहता तो सिक्स्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुंचते, अगर ग्यारह आर्गुमेंट्स रहता तो टेंथ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुंचते। समझ रहे, मतलब एक कम 11 रहता तो 10th होता, समझे ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं फिफ्थ आर्गुमेंट्स है, फिफ्थ आर्गुमेंट्स है तो फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पहुँचे। समझे कि नहीं समझे, तो ये क्लियर हो गया, आशा है ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको आप जो है कि माइंड में बढ़िया से रखिए, बहुत अच्छे तरीके से रखिए। अब चलिए आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है x नॉट पर 3. ये दिया हुआ आर्गुमेंट्स दिया हुआ 3.0, x1 का वैल्यू भी दिया हुआ 3.1 और x2 का वैल्यू, ये सब दिया हुआ है। ये पांच आर्गुमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और y का वैल्यू यानी कि एंट्रीज जो आई हुई है, मतलब कि जब x का वैल्यू 3.0 रखा तो 0.333 पांच बार 3 आया, फिर x1 का वैल्यू 0.33 ये समथिंग आया, ये आया, ये दिया हुआ, ठीक है। मतलब ये y0 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2, y3, y4 का वैल्यू दिया हुआ। सॉल्यूशंस वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एन आई, ठीक है, nth मतलब कि nth फाइनाइट डिफरेंस है ना, nth फाइनाइट डिफरेंस, ये हम लोग nth फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन माइनस वन आई प्लस वन और माइनस डेल्टा एन माइनस वन आई, इससे पहले जस्ट मैंने बताया है। और एक बात यहाँ पर जो है कि बात को समझिए, पांच आर्गुमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो पांच आर्गुमेंट है, इसीलिए उससे एक कम आई का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, 4। क्यों, देखिए कारण मैं लिख दिया हूँ, बिकॉज आर्गुमेंट्स अगर पांच रहे तो फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस ही होता है, अगर आर्गुमेंट छः रहता तो पाँच होता यहाँ पर, अगर सात रहता तो यहाँ पर छः होता, तो ये तो मैंने अभी जस्ट पहले इससे पहले बताया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फाइनाइट डिफरेंस टेबल को प्लॉट करते हैं, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस टेबल को प्लॉट कर रहे हैं। देखिए x का और y बराबर 1/x था, x का वैल्यू 3.0, 3.1, 3.2 ये सब दिया हुआ है, और y का वैल्यू भी 0.333 पांच बार 3, 0.32258 ये 0.312 ये दिया हुआ है, ये यहाँ से देख करके इसको लिख देने का है। इसके बाद डेल्टा y मतलब फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस निकालने के लिए बाद माइनस पहले, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस 0.01075 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस 0.01008 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस 0.00947 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस 0.00891 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 0.00067 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 0.00061 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 0.00056 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस 0.00446 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस 0.4×05 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 0.4×01 आएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस निकाले, सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस निकाले, थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस निकाले, फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस निकाले, और इसके बाद फिर पॉसिबल नहीं है। तो जनरली यहाँ पर आप चीज़ों को देखिए और समझिए, क्या समझिएगा, ये आपका क्या है डेल्टा वाई नॉट है, ये आपका क्या है डेल्टा वाई वन है, ये क्या है आपका डेल्टा वाई टू है, ये आपका डेल्टा वाई थ्री है, डेल्टा ये क्या है आपका, समझिए बात को, ये डेल्टा वाई थ्री है, ठीक। तो और इस जगह पर ये क्या है, तब ये क्या है, ये डेल्टा टू वाई थ्री हो जाएगा, तब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तब क्या हो जाएगा डेल्टा टू वाई फोर हो जाएगा, और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा डेल्टा डेल्टा टू नहीं होगा, ये डेल्टा थ्री हो जाएगा, ठीक है डेल्टा थ्री, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा फोर है ना, यहाँ पर थ्री होगा, ठीक ना, यहाँ पर भी थ्री हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए बात को यहाँ पर समझना है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, शायद यहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो एक मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ये जो पोर्शन है ये आपका डेल्टा वाई नॉट, ठीक है, और ये आपका है ये डेल्टा वाई वन, ये आपका है डेल्टा वाई टू, ये आपका है डेल्टा वाई थ्री, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस किए तो आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर डेल्टा टू वाई नॉट, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप जो है कि इन दोनों के बीच यहाँ पर एक खिचड़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर रहने देते हैं, ये साफ सुथरा प्लॉटिंग रहने देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं,
ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, पीछे में जो हम लोग बनाए हुए थे ना उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक यही ना बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है नीचे वाला में, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा। देखिए क्या होगा, तो आप देखिए पिछले, इससे जस्ट पीछे में मैंने बताया था ये जो पोर्शन हो रहा था, ये जो पोर्शन हो रहा था ये आपका हो रहा था डेल्टा फोर, क्या हो रहा था डेल्टा फोर वाई नॉट हो रहा था, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया था डेल्टा फोर वाई नॉट हो रहा था, और इससे ये जस्ट पहले ये वाला डेल्टा थ्री, ये डेल्टा थ्री, ये क्या हो रहा था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा था, जरा देखिए, तो डेल्टा थ्री वाई वन हो रहा था, ठीक है, डेल्टा थ्री वाई वन हो रहा था, और ये वाला क्या हो रहा था, ये वाला इससे जस्ट पहले वाला डेल्टा थ्री वाई नॉट हो रहा था, ठीक है, ये हो रहा था, ये समझ गए। और इसके बाद ये तब क्या होगा, डेल्टा टू वाई नॉट होगा, ये वाला डेल्टा टू वाई नॉट होगा, और ये डेल्टा टू वाई वन होगा, ये डेल्टा टू वाई टू होगा, ठीक है। अब देखिए ये डेल्टा वाई नॉट होगा और ये क्या होगा, ये डेल्टा वाई नॉट होगा, ये डेल्टा वाई वन होगा, ये डेल्टा वाई टू होगा, ये डेल्टा वाई थ्री होगा, समझ गए, क्लियर हो गया, समझ गए ना, तो यही चीज़ था। तो हालांकि इसको जो मैंने बनाना सिखाया ये मेन आपको समझना है, ठीक ना, यही मेन आपको समझना था, प्लॉटिंग वगैरह। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे प्लॉट करते, कैसे बनाते हैं, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चंस कुछ दे दूंगा, होमवर्क वगैरह, ठीक ना, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर थ्री में, जहाँ पर मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हुआ, अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बताऊँगा। चलिए तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।